रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर और उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनकी कामयाबी की कामना करती हैं। रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर पिछली बार की तरह इस बार भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई 30 अगस्त के पक्ष में है तो कोई 31 अगस्त की हिमायत कर रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार 30 अगस्त को सुबह 10:13 पर आरंभ हो रही है, लेकिन ठीक 10:13 से ही भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। भद्रा काल जब पाताल लोक में होता है तब शुभ माना जाता है, लेकिन जब ये मृत्यु लोक में होता है तब अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन और होलिका दहन करने की मनाही है। पिछली बार भद्रा काल पाताल लोक में था, लेकिन इस बार ये मृत्यु लोक में है, जो कि 30 अगस्त को सुबह 10:13 से शाम 8:57 तक रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक रात में राखी बांधना वर्जित है। 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी और मान्यता है जो तिथि सूर्योदय समय रहती है वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्यौहार 31 अगस्त को पूरे दिन मनाया जाएगा। हालांकि आप चाहें तो सुबह 7:46 तक वास्तविक पूर्णिमा तिथि में ही इस त्यौहार को मना सकते हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। हिंदू धर्म में पौराणिक समय से ही श्वेत चंदन, लाल चंदन, कुमकुम, भस्म आदि से तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तिलक विजय, पराक्रम, सम्मान, श्रेष्ठता और वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। ये मस्तक के बीच में लगाया जाता है। ये स्थान छठी इंद्री का है। मस्तक के बीच में तिलक लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मस्तक के इस स्थान पर तिलक के माध्यम से दबाव बनाया जाए तो स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिकता, तार्किकता, साहस और बल में वृद्धि होती है। वही तिलक के साथ चावल इसलिए लगाते हैं क्योंकि चावल लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कच्चे चावल का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक चावल को हविष्य यानी कि हवन में देवताओं को चढ़ाया जाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।